The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Mere channel mein aapka swagat hai aur jaisa aap jante hain, hum health aur healthcare ke bare mein videos banate hain. Abhi ek video banaya tha humne about 7 ways how you can protect your brain, how you are damaging your brain, kaise aap apne brain ki पावर को प्रिजर्व कर सकते हैं. तो लोगों ने कई ने सवाल पूछा है मेमोरी लॉस पे. सो दिस वीडियो वी गोइंग टू टॉक अबाउट मेमोरी लॉस. कई लोगों को लगता है कि हम अपनी मेमोरी खोते जा रहे हैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता. और कई एक्चुअल ऐसे लोग हैं जो सफ़र करते हैं मेमोरी लॉस से, जो कि अच्छी सीवियर लेवल पे हैं. तो क्यों होता है मेमोरी लॉस, क्यों ब्रेन से कुछ स्टोर्ड मेमोरी या तो पकड़ में नहीं आती या स्टोर ही नहीं होती, उसका कारण आज हम जानेंगे. अनयूजुअल फॉरगेटफुलनेस. यूजुअली तो कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन अनयूजुअल जो आपके लिए यूजुअल नहीं है वो क्यों हो रहा है, राइट? ये हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रह रही, कुछ न्यू इवेंट स्टोर करने में मुश्किल हो रही है, राइट? पास्ट की कुछ चीज़ याद ही नहीं आ रही है, समथिंग लाइक दैट. या फिर कुछ चीज़ इरेज ही होगी आपके दिमाग से. सो वो सब चीज़ों का कारण क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होती है, ट्रांजिएंट मेमोरी लॉस होती है, कुछ देर के लिए याद ही नहीं आया एकदम फिर आ गया. सो कुछ सीरियस कंडीशंस होती हैं, कुछ सिंपल कंडीशंस होती हैं. क्या कारण होता है, आइए बात करते हैं. पूरी लिस्ट है हमारे पास और वो आपको समझाने के लिए. पहला सबसे कॉमन रीजन है नॉर्मल एजिंग. जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप थोड़े बहुत चीज़ें भूलते हैं, मेमोरी लॉस होना स्वाभाविक है. ये कोई घबराने वाली बात नहीं है. इसमें आपको थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा नई चीज़ें सीखने समझने को, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा उन्हें रिमेंबर करने को. इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, राइट? लेकिन एजिंग से कोई भी ड्रामेटिक मेमोरी लॉस नहीं होता है. रिमेंबर, ड्रामेटिक मेमोरी लॉस किसी ना किसी प्रॉब्लम से, बीमारी से होता है. और ये कई प्रॉब्लम्स में हो सकता है. डॉक्टर को ये जानना जरूरी है कि धीरे धीरे हुआ या एकदम अचानक हुआ, राइट? तो उससे कारण समझ में आता है, राइट? और दिमाग में, आपके दिमाग में कई ऐसे हिस्से हैं जो ब्रेन को काम करने में हेल्प करते हैं, जो मेमोरीज बनाते हैं और स्टोर करते हैं. कई ऐसे हिस्से हैं. तो अगर उनमें से किसी भी हिस्से को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो वहां पर मेमोरी लॉस हो सकता है. सो किस किस प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट. नंबर वन, ब्रेन ट्यूमर हो गया तो वो एरिया दबेगा, वो मेमोरी लॉस हो सकता है. और ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर थेरेपी, कोई ट्रीटमेंट आपने लिए, मान लीजिए कोई कीमोथेरेपी, कोई रेडिएशन थेरेपी, किसी का बोन ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट थेरेपी, वो तरीके की आपकी किसी भी कैंसर थेरेपी का साइड इफेक्ट हो सकता है मेमोरी लॉस. चोट लग जाए दिमाग में, ब्रेन में कंकशन हो जाए, हेड इंजरी की वजह से मेमोरी लॉस हो सकता है. ट्रांजिएंट भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? कई बार सूजन होती है, ट्रांजिएंट सूजन ठीक, मेमोरी लॉस खत्म, राइट? ठीक हो जाता है. कई बार परमानेंट डैमेज हो जाता है. या फिर किसी कारण से ब्रेन के उच्च हिस्सों को सही ऑक्सीजन सप्लाई, खून नहीं जा रहा, या मान लीजिए हार्ट सही काम नहीं कर रहा, फेफड़े सही काम नहीं कर रहे, या हार्ट रुक गया था, कार्डियक अरेस्ट हो गया था, या लंग्स रुक गए थे, या लंग में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, किसी कारण से वहाँ पे खून नहीं जा रहा, या वहाँ जाने वाली खून की नस में क्लॉट आ गया है, जिसे कई बार ट्रांजिएंट भी होता है. ट्रांजिएंट यानी क्लॉट पैर से या हार्ट में या गले की नस में बना, कैरोटिड्स में ऊपर गया, वहाँ अटका, खून नहीं गया, तो मेमोरी लॉस फिर एकदम अचानक खुद शुरू हो गया, ट्रांजिएंटली अपने आप सब कुछ ठीक हो गया. ट्रांजिएंट इस्टेमिक अटैक कहते हैं इसको, ट्रांजिएंट स्ट्रोक कहते हैं, ये भी होता है. या ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, ब्रेन के आसपास की कवरिंग में इन्फेक्शन हो जाए तो भी होता है. ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन भी होता है, और इवन वर्म्स वहाँ जाके लार्वा वार्वा दे देते हैं, वो भी इशू होता है, राइट? ये भी होता है वर्म्स ब्रेन में. कोई भी मेजर सर्जरी हुई हो आपके बॉडी में, कोई भी सिवियर इलनेस हुआ हो, इवन ब्रेन सर्जरी तो हो ही सकता है, बाकी कोई भी मेजर सर्जरी में ट्रांजिएंट या मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम आ सकता है. मान लीजिए एक और बीमारी है ग्लोबल ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया, जो कि हो सकती है, कई बार उसका कारण नहीं पता चलता, और दिमाग में पानी भी भर सकता है. हाइड्रोसेफेलस, फ्लूइड कलेक्शन इन द ब्रेन, राइट? मान लीजिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फ्लो बंद हो गया हो, या किसी भी कारण से दिमाग में पानी बन रहा हो, सो उस वजह से हाइड्रोसेफेलस हो सकता है. यही नहीं, दिमागी प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे मान लीजिए डिप्रेशन,
आपको बाइपोलर डिसऑर्डर, सिसोफ्रेनिया, इनमें भी मेमोरी लॉस हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रेस हो गया, कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट घर में किसी की बिल्कुल मान लीजिए कोई लॉस हो गया, तो उन सब चीज़ों से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एकदम ज़्यादा होने से भी मेमोरी लॉस होता है, राइट। और इसके अलावा डिमेंशिया, मान लीजिए दिमाग का ही फंक्शन ओवरऑल कम हो गया किसी कारणवश, दिमाग का फंक्शन, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, डिमेंशिया, डिमेंशिया यानी आपकी थिंकिंग, सोचना, बोलना, आपकी जजमेंट, आपका बिहेवियर, वो सब बदल जाए, ये भी होता है। ऐसे किन चीज़ों में होता है? ऐसा सबसे कॉमन एल्जाइमर्स डिजीज, एल्जाइमर्स है, लेवी बॉडी सिंड्रोम है, डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, बहुत सारी बीमारियां हैं, राइट। नॉर्मल प्रेशर, हाइड्रोसेफेलस, मैड काउ डिजीज, राइट, इन सब में हो सकता है। लेकिन ज्यादा कॉमन है अल्कोहल, ज्यादा कॉमन है दारू पीने वाले लोग, जिसको बहुत ज्यादा एक्सेस अल्कोहल लेना आपको मेमोरी लॉस हो सकता है। आप अगर बहुत किसी किसी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का साइड इफेक्ट हो सकता है, दवाइयां अगर किसी बीमारी की वजह से ले रहे हो तो उनका साइड इफेक्ट हो सकता है मेमोरी लॉस, नींद की दवा ज्यादा ले ली, ओवर यूज ऑफ यू नो ड्रग्स, बारबिट्यूरेट्स, हिप्नोटिक्स, उनके वजह से हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई ब्रेन इन्फेक्शन, एचआईवी एड्स या लाइम्स डिजीज, सिफिलिस हो गया, वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा। किसी किसी प्रकार की थेरेपी से, एक थेरेपी आती है जो शॉक थेरेपी देते हैं मेंटल हॉस्पिटल्स में, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, उसके वजह से भी मेमोरी लॉस होता है, ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, लेकिन उससे ज़्यादातर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। और एपिलेप्सी, जो दौरे पड़ने वाली बीमारी है जिसमें मिर्गी के दौरे, उन मिर्गी के दौरों के वजह से या उनके दौरान आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, उसके वजह से हो सकता है, राइट। या ऐसी कोई भी बीमारी जिसके वजह से आपके नसों में, नसें या नर्व्स या ब्रेन लॉग में डैमेज हो रहा है, जैसे मान लीजिए पार्किंसंस डिजीज है, हंटिंगटन्स डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये सब बीमारियों के नाम है जिसमें नसें या नर्व्स, न्यूरल टिश्यू डैमेज होता है, इनके वजह से हो सकता है। और ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉमन है अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है विटामिन्स की, विटामिन B12, B1, विटामिन बी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से नसों में प्रॉब्लम आती है और मेमोरी लॉस हो सकता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। और दारू पीने वालों को विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए ये सारे कारण हो सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि आपके अंदर क्या कारण है, या डॉक्टर को देखना होगा। आपके लिए बेस्ट डॉक्टर होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट आपके पूरे सिचुएशन को असेस करते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपसे, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली से, और कोशिश की जाती है कि क्या इसका कारण है पता करें। सो अगर कोई है जिसको बहुत सिवियर मेमोरी लॉस है और आप उनका देखभाल करना पड़ रहा है या वो देखभाल नहीं कर सकते, तो बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट, उनको फिर बहुत सारी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आपको हर चीज़ आपको लिख के रखनी होती है, राइट। आप उनको पुरानी चीज़ें दिखा सकते हो, पुरानी फैमिली की चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स, म्यूजिक, कोई फोटोज़, कोई फैमिली चीज़ें, राइट। आपको हर चीज़ की दवाई किस टाइम लेनी है, ली है कि नहीं ली है, वो सब लिख के रखनी ज़रूरी है आपको खुद का टेक केयर करने के लिए, अगर आप भूल जाते हैं तो, राइट। और कई बार अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा है और हर दिन भर के टास्क करने में, खुद को सेफ रखने में, खाना खाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उनको सोचना पड़ेगा कि किसी नर्सिंग होम या एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी में ट्रांसफर की जाए। लेकिन बेसिक चीज़ है पहले तो डायग्नोसिस। पता ही नहीं चलेगा क्या कारण है तो ठीक कैसे करोगे? ठीक करने के लिए, कारण पता करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। ब्लड टेस्ट से लेके बहुत सारे टेस्ट तक किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं विटामिन डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शंस के लिए। और ब्लड टेस्ट के अलावा ब्रेन में जाने वाला खून का सप्लाई देखा जा सकता है सेरिब्रल एंजियोग्राफी से। कॉग्निटिव टेस्ट किए जा सकते हैं कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट करके देखें भाई ब्रेन के और भी फंक्शंस खराब तो नहीं हो रहे। मान लीजिए साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, और सीटी स्कैन, एमआरआई ब्रेन का हो सकता है, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी कर सकते हैं, लंबर पंक्चर करके ब्रेन के आसपास का पानी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल के देख सकते हैं कि ब्रेन में क्या इन्फेक्शन, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है, क्या है। सो कारण पता करना जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि आपके केस में बेस्ट टेस्ट क्या है और बेस्ट अप्रोच क्या है। तो आपको जाना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास, और ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कारण पे। कई बार सिर्फ चोट लगी है, थोड़े दिन में ठीक होने के चांसेस हैं, तो फिर वेट एंड वॉच भी किया जाता है। कई बार इन्फेक्शन होता है तो भर्ती किया जाता है, कई बार दिक्कत परमानेंट होती है। सो इसीलिए
गेट इवेल्यूएटेड, टेस्ट कराइए, कारण पता करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए स्प्रेड द वर्ड, और क्या। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।